कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मैंने आज से कुछ दिन पहले या बोल सकते हैं कुछ टाइम पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कैसे आप अपने सैमसंग के मोबाइल में इंग्लिश में टाइप करके उसको हिंदी में या कोई सी भी लैंग्वेज में डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको कोई कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली सैमसंग के कीबोर्ड के थ्रू ही वो कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर कुछ लोगों का वर्क नहीं कर रहा है, उन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनका ये फीचर काम नहीं कर रहा है या बोल सकते हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप अपने सैमसंग के मोबाइल में इंग्लिश में टाइप करके उसको कोई सी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी सिंपल टाइप करके एट ए टाइम। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने सैमसंग कीबोर्ड के अंदर इंग्लिश में लिख के उसको कोई सी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो भी बहुत इजीली। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, बट वहां पर क्या हो गया है, अब वहां पर प्रॉब्लम आ रही है और उसको नहीं कर पा रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अब मैं उस प्रॉब्लम को आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, उसके बाद आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, अगर आपको नहीं पता इसको कैसे ऐड करते हैं तो वो बता देता हूं। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर मेरे पास यहाँ इंग्लिश कीवर्ड आ रहा है और जैसे मैं स्वैप करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे आपको ऐसा हिंदी कीवर्ड अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको हिंदी कीवर्ड ऐसा दिख जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता इसको ऐड कैसे करते हैं, उसको ऐड करने के लिए जाना है यहां पर सैमसंग कीबोर्ड की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऊपर जाना है लैंग्वेज एंड टाइप में और यहां पर मैनेज इनपुट लैंग्वेज करके आप यहां पर कोई सी भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये चार पांच लैंग्वेज ऐड कर रखी है, ठीक है, ये मैंने इसको यहां से हटा दिया। मैंने ये तीन चार लैंग्वेज यहां पर ऐड कर रखी है। अब होता क्या था दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे, बैक आ जाता हूं, अगर मैं यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर कुछ हिंदी में टाइप करना चाहता हूं तो सिंपल यहां लिखूंगा और हिंदी के वर्ड आ जाएंगे और मैं यहां पर डायरेक्ट टाइप कर सकता हूं। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इंग्लिश में लिख के उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है जैसा कि मैंने बताया। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पर देख रहे होंगे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक वस्तु आकर के आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर होता क्या था, जैसे कि मुझे मान लीजिए हेलो आ लिखना है तो मैं डबल ए लिखूंगा तो वहां पर आ जाता था सजेशन पे और वहां पर आप लिखा जाता था। बट हो क्या गया, अब ये वर्क नहीं कर रहा। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में भी जाएंगे, लाइक मैंने यहाँ पंजाबी ऐड कर रखी है, अगर मैं इस लैंग्वेज में भी जाऊंगा तो यहां पर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। बट ये पहले क्या होता था, ये सब लैंग्वेज में ऐसा वर्क करता था। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वापस यही सेटिंग पे जाना है सैमसंग कीबोर्ड की। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहां पर लैंग्वेज एंड टाइप्स में, यहां जाना है मैनेज इनपुट लैंग्वेज में, यहां पर आपको थ्री डॉट्स में जाना है ऊपर और यहां पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर लेना है। यहां पर आप देखेंगे चेक फॉर अपडेट करने के बाद आपको यहां पर अपडेट्स दिख रहे होंगे जो भी आपकी लैंग्वेज ऐड है, लाइक हिंदी और मेरी पंजाबी। मुझे यहां दोनों को इसको अपडेट कर लेना है। ये अपडेट नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ये मेरे साथ हुआ था। मैंने उसको ऑब्जर्व करा, उसके बाद मैंने ये अपडेट करने के बाद उसको यूज करा, मेरी प्रॉब्लम 100% सोल्यूशन हो गया था। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज हो चुकी है मेरी डाउनलोड, ऐसे ही मैं पंजाबी लैंग्वेज को भी यहां पर डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद वहां यूज करूंगा तो इंग्लिश में लिखूंगा और ऑटोमेटिक वहां पर हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे आप देखेंगे, ये मैं बैक आ गया हूं, वापिस यही आ गया हूं। यहां पर आने के बाद मैंने इस कीबोर्ड पे क्लिक करा, यहां पर एक वस्तु आ पे मैंने देखेंगे, अब जैसे मैंने एक वस्तु आ पे मैंने क्लिक कर लिया, अब मैं यहां लिख रहा हूं आ, आप देखेंगे जैसे मैंने ए लिखा यहां पर सजेशन आना चालू हो गया जो कि पहले नहीं आ रहे थे। आप देखेंगे कहां गया, जैसे मैंने लिखा कहां, तो आप देखेंगे यहां पर आपको सजेशन ऑटोमेटिक आने चालू हो गए जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो कैसे हैं आप, ये लिखा मैंने कैसे है, ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा और ये आप ऑटोमेटिक आ गया, देख रहे हैं आप। इसलिए यहाँ पर टाइप हो गया हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज। आप चाहे इसको कोई सी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अब मैंने यहाँ पर पंजाबी भी ऐड करा है तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैसा है, मैंने इसको भी ऐसे लिखा। अब मुझे पंजाबी मुझे नहीं आती है, बट सजेशन आपको दिख जाएगा, आपको जो भी लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिए, आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज भी ऐड करना है तो आप वापस को क्या करना रहेगा, आपको यहां पर थ्री यहीं जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद मैनेज इनपुट पे जाना है, यहाँ मैनेज इनपुट लैंग्वेज पे जाना है और जोन सी लैंग्वेज पे आपको ऐड करना है पहले उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ही करेंगे तो वो वर्क करेगा। तो लाइए गुजराती करना है, मैंने गुजराती पे क्लिक कर लिया, बाहर आ गया। बैक आने के बाद मैंने यहां पर वापस सैमसंग कीबोर्ड को खोल लिया है। सैमसंग कीबोर्ड को खोलने के बाद मैं आ गया यहां पर स्वैप करूंगा लैंग्वेज पे और ये गुजराती लैंग्वेज आ गई है। बट मुझे इसको पहले कौन से में करना है, इस लैंग्वेज को, उसको मेरे को एओ ए पे इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आ गया है, तो इसमें भी मैं लिखूंगा हेलो, तो आप देखेंगे
वो उस लैंग्वेज में आ जाएगा, गुजराती लैंग्वेज में या कोई सी भी लैंग्वेज में आप करना चाहें तो इजीली ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्तों, जिनको एरर आ रहा था वो भी कर सकते हैं और जिनको नहीं पता था वो भी ये यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या हो सके तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर नहीं करा है दोस्तों, प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।